हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ट्स गैजेट। तो गाइस, लियो मूवी का जो रश है, हाइप और दबदबा भाई पूरे पैन वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, चाहे वो ओवरसीज हो, नॉर्थ साइड हो, मतलब कि एवरीवेयर देखने को मिल रहा है। और गाइस, फैंस काफी ज्यादा बैक टू बैक कॉमेंट किए जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं कि हर्ष भाई आज तो 4th of October है, इसका सेंसर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो कब तक हो जाएगा, और अगर हो गया है तो इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन कितना होने वाला है। अगर आपके पास कोई अपडेट आ जाए तो प्लीज हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, फाइनली सेंसर के बारे में अपन बात करने वाले हैं, इसके ऑफिशियल ड्यूरेशन के बारे में बात करने वाले कि लियो का एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जल्द से जल्द 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं, कल गाइज मूवी की टीम की तरफ से एंटोनी दास यानी कि संजय दत्त सर का एक पोस्टर रिवील किया गया है, और कल भाई साहब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आना है। सभी को पता है, मैं भी सभी को पता हूं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं भाई, कल 5 अक्टूबर है, तो कल के दिन इसका ट्रेलर आना है, सन टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आना है। उसी के साथ साथ गाइज, अब जो है ना इसका जो सेंसर, सेंसर की बात कर रहे थे अपन, हाँ, तो सेंसर जो है ना टोटली का टोटली डन कर दिया गया है गाइज। कैची वेची जो थी काट दी गई है, तोड़ दी गई है, कैची ही तोड़ दी गई है, वो सब छोड़े, कैची तोड़ दी गई है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मैं भी और आज मूवी की टीम इसके ऑफिशियल ट्रेलर पे काम करने वाली है। और गाइज, लियो का जो ऑफिशियल ड्यूरेशन होने वाला भाई साहब काफी खुखार होने वाला है। रुको यार, किस बात की जल्दी है, हाँ, तो एग्जैक्ट जो इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन होने वाला लियो मूवी का, वो होने वाला 2 hours 43 minutes का, यानी कि 2 hours 43 minutes का इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन होने वाला है। मैं भी गाइज इस चीज का अपडेट नहीं आया है कि कौन कौन से सीन को कट आउट किया गया है, क्या नहीं किया गया, लेकिन गाइज ये जो अपडेट है ना, मैं भी गाइज मूवी के रिलीज होने के बाद आएगा कि कौन कौन सा सीन कट दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए, तो ऐसा अपडेट आ सकता है आफ्टर रिलीजिंग के बाद। लेकिन गाइज 2 hours 43 minutes थोड़ा कम भी लग रहा है और काफी ज्यादा भी लग रहा है, लेकिन नियर बाय 3 hours होती ना तो कहीं ना कहीं भाई साहब मजा ही आ जाता। लेकिन फाइनली गाइज मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिन्होंने सेंसर किया होगा, सेंसर बोर्ड के जो एम्प्लॉयज होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इतना रूथलेस, इतना ब्लड, इतनी डेथ बॉडी देखने को मिल रही है, तो भाई साहब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि भाई ये बॉलीवुड वालों को बहुत हो गया है। सेंसर बोर्ड वालों ने आई थिंक ऐसा सोचा होगा कि बॉलीवुड वालों का बहुत हो गया है, क्यों ना यार अब यार लोकेश कनगराज सर को मौका दिया जाए इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि अब बॉलीवुड का जब वो सेंसर करते होंगे तो वो घिसी पिटी चीजें, लड़का है, लड़की है, प्यार हुआ, फिर बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसने उसको मारा, उसको मारा, ये हुआ। लेकिन गाइस डायरेक्टर लोकेश कनगराज इंडियन सिनेमा को बदलने की भाई साहब बहुत सारा पावर रखते। तो गाइस फाइनली इसका खुशल मंगल के तरीके से भाई इसका कटआउट कर दिया गया, यानी कि सेंसर हो गया है। और गाइस इस वीडियो के बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वीडियो आने वाला, तो एनीवन गैस कर सकता है कि वो किस मूवी पर वीडियो होने वाला, वो भी ऑफिशियल, क्योंकि टीम की तरफ से अपडेट आया है। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं, थल्लापति विजय सर के फैन बताएं, लियो मूवी के फैन बताएं, और हेटर्स आप भी बताएं कि लियो मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपको हेटर्स लोग कितना बुरा लग रहा है, और आपके क्या ओपिनियन है इसके ऑफिशियल ड्यूरेशन के बारे में, ट्रेलर के बारे में, उसी के साथ साथ भाई सेंसर बोर्ड के बारे में अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।